मनाली के जंजघर में लोहली हलांडा उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। उत्सव में सैकड़ों लोहलवासियों द्वारा भाग लिया गया। हलांडा उत्सव नव वर्ष के आगमन की खुशी में मनाया जाता है, जिसमें सभी लोहलवासी एक जगह पर एकत्रित होकर मिशाल जलाते हैं। वे गांव की पूरी परिक्रमा करते हैं। हालडा उत्सव के संयोजक रूपचंद ने मनाली वासियों को हालडा उत्सव की बधाई दी और इस त्योहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मनाली के जंजघर में लाहौली हालडा उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हालडा उत्सव नव वर्ष के आगमन की खुशी में मनाया जाता है, जिसमें सभी लाहौल वासी एक जगह एकत्रित होकर मिसाल जलाते हैं और पूरी गाँव की परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि मिसाल जलाने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। इस कार्यक्रम में मनाली तहसीलदार पद्मा छेरिंग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने मनाली वासियों को हालडा उत्सव की बधाई दी। इसी बीच रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जो लाहौल वासी हैं, वो सारे के सारे इस दिन हालडा उत्सव मनाते हैं और जो जितने भी लोग लाहौल से बाहर हैं, वो यहाँ हम मनाली में जंजघर में इस उत्सव को मनाते हैं, जिसमें लाहौल में कुल चार घाटियाँ हैं और चारों घाटी के लोग सम्मिलित होकर एक छत के नीचे हम इस उत्सव का आयोजन करते हैं। हालडा उत्सव जो है नव वर्ष का आगमन का संकेत है और आज के दिन पूरे लाहौल के लोग जो है अपने अपने घरों से मशाल लेकर गाँव के बीच में इकट्ठे होते हैं, संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं और वहाँ मशाल जलाकर और भूत प्रेत को भगाने का एक तरह से तरीका है ये, ताकि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे ज़िले में लोग खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ और अच्छे सेहत में रहें। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।